हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रही हैं, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बेटी वैष्णवी मिश्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। वैष्णवी जी, मुझे पता है और एहसास है कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत मुश्किल घड़ी है। इस घटना ने पूरे देश को झकझोरा है, तो आपकी क्या हालत हो रही होगी हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन अपने पिता की तरफ से आज पूरा देश आपको सुन रहा है, इस देश के सियासतदान, इस देश में हर कोई सुन रहा है, क्या कहेंगी आप वैष्णवी जी? मेरा बस यही कहना है कि मुझे अब मेरे फादर ने जिस तरह से लड़ा उस पर मुझे बहुत गर्व है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई डैड एंड बस अब हम यही चाहते हैं कि अब मेरा भी यही मोटिव हो गया कि मुझे भी इसी डिपार्टमेंट में जाना है और ऐसे लोगों को उनकी सही जगह में पहुंचाना है। आप इससे पहले वैष्णवी डॉक्टर बनना चाहती थी अगर मैं सही हूं, लेकिन इस घटना ने आपको इतना झकझोर दिया है कि आपको लग रहा है कि जिस तरह से अपराध यहाँ पर हो रहा है उस पर लगाम लगाने के लिए ईमानदार अफसरों की जरूरत है, जिस ईमानदारी से आपके पिता ने इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाया। जी। आप डॉक्टर बनना चाहती थी पहले? हाँ जी, मेरा पहले एम्बिशन डॉक्टर ही था। लेकिन अब आप खुद पुलिस विभाग में ही शामिल होकर वहां पर नौकरी करना चाहती हैं? हाँ जी, इसी इंसिडेंट के ही बाद। इसके अलावा एक आखिरी सवाल, क्योंकि मुझे एहसास है बहुत मुश्किल घड़ी है आपके लिए भी, और मुझे जानकारी मिली कि किस तरह से आपका पूरा परिवार बहुत ज्यादा परेशान है इस अचानक हुई घटना से, लेकिन आपके पिता एक ईमानदार अफसर से थे और इससे बड़ा गर्व किसी बेटी के लिए हो नहीं सकता है। वैष्णवी, ये वो मौका है जब आप जो कुछ भी कहेंगी उसका बहुत अर्थ होगा। ऐसे वक्त पर अपने ईमानदार पिता को आप किस तरह से याद रखेंगी, क्योंकि यही वो विभाग है जिसमें ऐसे लोग भी थे जिन्होंने भेदिए का काम किया, जिन्होंने उल्टा मुखबरी की उस अपराधी के लिए, तो अपने ईमानदार पिता के लिए आप क्या कहेंगी आज? ये आखिरी सवाल। मुझे बस उन पर गर्व है और जिस तरीके से उन्होंने देश के लिए अपनी जान गंवाई, तो हम भी चाहेंगे कि हमें भी वो चांस मिले और मैं भी अपने फादर की तरह ब्रेव बनूं, ब्रेव डॉटर बनूं और सब मुझे भी जाने। वैष्णवी, इसके अलावा आप कुछ भी कहना चाहेंगी उस पूरे मामले से? मुझे एहसास है इस बात का कि ये मामला कितना गंभीर है, इसीलिए कोई भी ऐसी बेवजह की बात नहीं होनी चाहिए जिससे आप पर या आपके परिवार पर खतरा और भी बढ़े, क्योंकि ये विकास दुबे क्या कुछ कर रहा था, जेल की सलाखों के पीछे से भी लोगों को मरवा देता था, ये सारी जानकारी अब मीडिया के सामने है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि बहुत खतरे मोल लेकर आपका परिवार आगे बढ़ रहा है, आप ये इच्छा जाहिर कर रही हैं कि आप पुलिस विभाग में जाएंगी, लेकिन एक डर रहता है ऐसे कुख्यात गैंगस्टर के जरिए जो सलाखों के पीछे से भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहा था। वैष्णव, क्या आप लोगों को सिक्योरिटी मिली है, कोई सुरक्षा मिली है आपको पुलिस की तरफ से? अभी तो कुछ भी नहीं मिला और मिलेगा, हमारे साथ पुलिस डिपार्टमेंट काफी सपोर्ट में है। जब उस रात छापे पर आपके पिता निकले थे तो क्या उन्होंने कुछ खास कहा था, क्या बात हुई थी आपकी? जस्ट प्रीवियस नाइट ही 9:30 तक उनसे बात हुई थी और नॉर्मल ही बात हुई थी, ऐसा उन्होंने कुछ भी इंडिकेट नहीं किया था। कभी उन्होंने कुछ बताया था ऐसा कि पुलिस में ही कुछ लोग हैं जो मुखबिरी कर देते हैं, कोई भी ऐसी जानकारी दी थी आप लोगों को? नहीं, ऐसा कौन सा फादर होगा जो ये सब बातें अपनी डॉटर से करेगा या अपनी फैमिली से करेगा।
चलिए ठीक है, बस ये आखिरी मौका, अगर आप कुछ बोलना चाहें, जाहिर है आपको अपने पिता के लिए इंसाफ की दरकार होगी वैष्णवी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैष्णवी मिश्रा हमारे साथ जुड़ने के लिए। सीओ देवेंद्र मिश्रा की वो बहादुर बेटी जिन्होंने इस हादसे के 3 दिन बाद आज तक पर आकर अपनी बात कहने का इसलिए इजहार किया क्योंकि वो चाहती है कि वो भी अपने पिता की तरह पुलिस सर्विसेज में जाएं और ईमानदारी से नौकरी करें। गर्व है उन्हें अपने पिता के इस पूरे काम पर जिसका उन्होंने जिक्र किया। बहुत धन्यवाद आपका वैष्णवी हमारे साथ जुड़ने के लिए।